अमरीकी फोर्सेस के हमले के दौरान यमन में अलकायदा रहनुमा कासिम अल रिमी हलाक हो गया। अमरीकी सदर ने भी हलाकत की तस्दीक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी आवाम के तहफ्फुज के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। यमन के अलकायदा ग्रुप का रहनुमा कासिम अल रिमी अमरीकी ऑपरेशन में मारा गया, जिसकी तस्दीक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि ऑपरेशन में मारे जाने वाले शख्स ने गुज़िश्ता साल रियासत फ्लोरिडा में बहरी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी आवाम का तहफ्फुज और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। हम मशरिक़ वुस्ता में जंग का इख्तिताम करते हुए अमरीकियों की जिंदगियों का दिफा कर रहे हैं। हम अमरीका की सबसे तवील जंग अफगान जंग के खात्मे और अपने फौजियों को वापस वतन लाने के लिए काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल सऊदी एयरफोर्स से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म ने फायरिंग करके फ्लोरिडा के बहरी अड्डे पर मौजूद 3 ज़ेर-ए-तरबियत तलबा को हलाक कर दिया था।